हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री का सो टॉप 350 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसका पार्ट 6 होगा। यह इसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलता है, तो वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा। सर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 71 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि आपको इससे पहले क्वेश्चन पूरा दे रखे हैं, जैसे कि पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आपको 105 क्वेश्चन, पार्ट 4 में फिर 1 से चालू हो जाता है, पार्ट 5 में फिर 36 से 70 तक, उस प्रकार से पार्ट 6 में आपको फिर आपको 71 से 105 तक चलेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन चलता है, ठीक ना। यहाँ पे 71 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑर्बिटल का आकार होता है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल का साइज क्या होता है वह क्वेश्चन कहा गया। द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल इज, इसका साइज इसके लिए क्या होता है, ऑप्शन ए गोलाकार, डम्बेल, डबल डम्बेल, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि समझिएगा गोलाकार मतलब ऐसा, डम्बेल मतलब डमरू जानते हैं डमरू ऐसा, डबल डम्बेल मतलब यानी कि ऐसे ऐसा डबल डम्बेल। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डबल डम्बेल, यानी कि डी ऑर्बिटल का आकार जो है इसके लिए होता है वो डबल डम्बेल होता है, इनको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या है, यह क्वेश्चन है। तो समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या है, क्वेश्चन है मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है कि समुद्र में क्या पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो याद रखिएगा हमारा जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, बेसिकली वहाँ से नमक नमक को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है समुद्र से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयोडीन। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयोडीन जो होता है आपने सुना भी होगा आयोडीन का नमक आता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। देखिए पर डे, पर डे 9 बजे आपको नाइट में ट्रेस चलता है, क्यूज चलता है पर डे डेली, तो आपको क्या करना है उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है पर डे, वहाँ पर टेस्ट चलता है, वहाँ पर लिंक दिया जाएगा, डायरेक्ट टेस्ट चालू हो जाता है पर डे डेली, समझ रहे हैं ना, ऑल क्लास का चलता है, याद रखिएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के, समझिएगा द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। जो द्रवित NaCl होता है, बेसिकली सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बेसिकली Na होता है Cl होता है, तो Na प्लस Cl माइनस होता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ठीक ना। तो कह रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पे कौन मुक्त होता है यह क्वेश्चन कहा गया। तो कैथोड पे कौन होगा, कैथोड पर प्लस वाला मुक्त होगा, कैथोड होता है धनोज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे Na हो जाएगा Na प्लस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा Na प्लस, यानी कि हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 73 का, क्योंकि सोडियम ना बाहर होता है, कैथोड पर मुक्त कौन होता है सोडियम होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा सोडियम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर आपको नोट्स PDF चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आपको आंसर के साथ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइटेड रहेगा, याद रखिएगा। अगर आपको डेमो देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा आप लोग, तो वहाँ पे आप जाकर व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पे ओनली 399 में। उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर वाला क्वेश्चन, दो नंबर वाला क्वेश्चन और पाँच नंबर वाला क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर जो क्वेश्चन है, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, नेचुरल रबर मतलब किसका बहुलक है, नेचुरल रबर जो होता है इसके लिए किसका बहुलक है, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन है आइसोरीन या आइसोप्रीन या क्लोरोप्रीन या ब्यूटाइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एस्टाइरीन जो है इसके लिए, तो इसमें किसका है नेचुरल रबर निम्नलिखित में बहुलक है, तो नेचुरल रबर किसका बहुलक है ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लूँ 74 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो इसके लिए उसका नेचुरल रबर एक प्रकार का है, इनको ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब PDF लोगे तो उसमें आपको सही करके मिलेगा। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कर रहा है इथाइल में बॉन्डों की संख्या, यह डिसाइड नहीं किया कि पाई बॉन्डों की संख्या है या सिग्मा बॉन्डों की संख्या, तो आपको पता नहीं है तो हम दोनों याद करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर छूट गया एक, मतलब वर्ड छूट गया पाई यहाँ से या सिग्मा, कोई मतलब एक सिम्बॉल वर्ड नहीं लिख नहीं छूट गया टाइपिंग में। तो इथाइल में पाई बॉन्डों की संख्या, इथाइन मीथ, मीथ में कितना कार्बन, इथ, इथाइन है इथाइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये वो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये हाइड्रोजन लगा,
इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बताइए यहाँ पे इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह अब इसके लिए हुआ इथाइन, इथाइन यह हुआ ना, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हुआ। आपको पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यानी कि सिग्मा गिना जाता है अगर जितना कार्बन के साथ जितना जुटा होता है उसको एक ही गिना जाता है। जैसे यहाँ थ्री बॉन्ड है ना कार्बन के साथ जुटा, लेकिन उसको एक ही गिनेंगे, एक सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ पे है, यानी कि तीन सिग्मा हो गया आपके पास, तीन सिग्मा हुआ। और पाई की बात करें, पाई डबल बॉन्ड को एक पाई गिना जाता है, डबल बॉन्ड को एक पाई गिना जाता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे पाई है ही नहीं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पाई है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड है, इसको एक पाई गिनेंगे, फिर यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एक पाई यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि टोटल पाई की संख्या क्या हो जाए, टू पाई। याद रखिएगा जब इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या पूछे तो टू मारिएगा, और जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछे तो तीन मारिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा बार एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए छूट गया, अब पाई पूछेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और इथाइन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 76 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आप काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनल एमीन का सूत्र होता है, कार्बोनल एमीन का सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन है। तो कार्बोनल एमीन का बेसिकली सूत्र क्या होता है, C6H5NC होता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 77 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है समझिएगा, इस यहाँ पे स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में धातु के, समझिएगा स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन में संयुक्त होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इधर उधर कर दिया है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के ऑक्सीजन में संयुक्त होता है, संयुक्त मतलब उसमें जुड़ता है, संयुक्त होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, यहाँ पे कार्बन यानी कि एल एल्युमिनियम, सिर कार्बन, मैग्नीशियम, तो इसमें से बताइए क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो कार्बन, कार्बन जब इसके लिए होता है ना वो क्या होता है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के ऑक्सीजन में संयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो सका, क्या हो सकेगा, कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 78 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है एलम एक सूत्र है, एलम का सूत्र होता है, तो एलम का सूत्र क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो एलम का सूत्र होता है AlNO3। यह क्वेश्चन आपको सूत्र बेसिस क्वेश्चन है, बोलिएगा तो हम टोटल केमिस्ट्री का सूत्र लाने के प्रयास करेंगे। तो एलम का सूत्र क्या हो जाएगा, AlNO3, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एलम का सूत्र क्या है, AlNO3, यानी कि एलम का सूत्र यही होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 79 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ पे पारासीटामोल का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग दवा अगर देह दर्द करता है या थोड़ा बड़ा फीवर आ जाता है, बॉडी पेन होने लगता है, सर्दी होने लगता है, माथा भारी होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब देखिए एक साथ जब किसी को बच्चा का आता क्या है, फीवर भी, थोड़ा सा फीवर भी आ गया, बॉडी पेन होने लगा, नहीं कि थोड़ा देहांत दर्द करने लगा, साथ में सर भी थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा नाक भी बह रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, फटाक से जाते हैं पैरासीटामोल खा लेते हैं। तो पैरासीटामोल का कैसा उपयोग होता है, ऑप्शन है एंटीपायरेटिक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, प्रशांतक के रूप में, या प्रतिरोधी के रूप में। तो हम लोग एंटीपायरेटिक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एंटीपायरेटिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैरासीटामोल का कहाँ उपयोग होता है, एंटीपायरेटिक के रूप में। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को माना जाता है। जो आवर्त सारणी है बेसिकली, आवर्त सारणी उसमें ग्रुप वन के तत्वों को क्या माना जाता है, तो ग्रुप वन के तत्वों को क्या माना जाता है, ऑप्शन है क्षारीय धातु, क्षारीय भूमिज धातु, अक्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 80 के करीब तो ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय धातु माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो आवर्त सारणी का ग्रुप वन का जो तत्व होता है ना वो क्षारीय धातु होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है सिरका का, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है इसके लिए उसमें कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑप्शन है CH3OH, CH2OH, HCOOH, CH3COOH। तो इसके लिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे अम्ल की बात किया गया,
और सिरका की बात कर रहा है। तो आपको पता है अम्ल क्या है, इसमें OH एल्कोहल है, OH एल्कोहल है, इसको बात छोड़ दीजिए। अम्ल की बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH होता है। तो पहला बात तो OH वाला तो दो को गलत हो गया, COOH वाला आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल की बात क्या है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH होता है ना, तो यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सिरका, क्वेश्चन कह रहा है सिरका में पाया जाने वाला, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल की बात क्या, तो वहाँ पे COOH आएगा। तो पहला बात तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत है, यहाँ से कन्फर्म हो गया, क्योंकि अम्ल पूछ रहा है एसिड कह रहा है, ठीक ना। तो सिरका की बात करते हैं तो हम लोग CH3 और COOH लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है 81 के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। देखिए गैल्वेनिक कोई भी सेल होता है, कोई भी बैटरी होता है, बैटरी यानी कि सेल जो होता है उसमें दो, मतलब वहाँ पे ये एनोड होता है, ठीक ना, मतलब दो वहाँ पे कुंडली होता है, जिस तरह से एक प्लस एक माइनस होता है, जिस प्रकार से एक प्लस होता है, एक ऋण होता है, एक धन होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, दो होता है, वो तो आपको पता होगा बहुत ईजी तरीका से, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, धनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन होगा धनात्मक, एनोड की बात करें तो धनात्मक, ठीक ना। और ऋणोड होता है, एक एनोड होता है, एनोड पर धनात्मक होता है, ऋणोड पर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, इस प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हारत होता का सूत्र है, जो हारत होता का सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो हारत होता का मतलब सूत्र क्या होता है, तो हारत होता का सूत्र है ऑप्शन है Fe SO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CaCaSO4 × 2H2O, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 84 का। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो 84 का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, Fe SO4 × 7H2O, ये इसके लिए होता है हारत होता का सूत्र। ये सूत्र बेसिस क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, इसलिए हम लाने के प्रयास करेंगे ऑल केमिस्ट्री का जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन है ना, वो लाने के प्रयास करेंगे आपके लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 85 नंबर जो क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रावण देता है, जो कैल्शियम फॉर्मेट होता है उसका शुष्क श्रावण क्या देता है, शुष्क श्रावण क्या देता है, HCOOH, यहाँ पे HCH, HCHO या CH3COOHO या CH3CHO। तो यहाँ पे कैल्शियम का शुष्क श्रावण क्या देता है, यह क्वेश्चन है। तो 85 का करेक्ट हो जाएगा HCHO हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा क्वेश्चन चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन समझाने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा सूत्र बेसिस क्वेश्चन है, उसमें समझाने की बात नहीं है। जहाँ समझाने वाला होता है बिल्कुल समझाने का प्रयास किया जाता है और आपको समझ में भी आता है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक ना। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रावण क्या देता है, तो HCHO देता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ब्यूना एस का मोनोमर है, यानी कि जो ब्यूना एस होता है ना, इसके लिए एक संश्लेषित पॉलीमर है, पॉलीमर मतलब बहुलक होता है, तो इसके लिए यह पॉलीमर जो बहुलक है ना, तो ये क्या है, अपना से बनाया गया है, ब्यूना एस से, ब्यूना एन एस, इसके अपना से निर्माण किया गया है, मानव निर्मित बहुलक है, ठीक ना। इसका मोनोमर क्या होता है, ये किससे बनता है, सोडियम से, स्टायरीन से, सल्फर से, इनमें से कोई नहीं। तो 86 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो स्टायरीन, स्टायरीन से यह बेसिकली बनता है ब्यूना एस, इसका मोनोमर होता है, मोनोमर मतलब वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति किया जाता है और एक बहुलक का निर्माण किया जाता है। ये जो पुनरावृत्ति किया जाता है, छोटा छोटा कण जो होता है इसके लिए, वो मोनोमर हुआ। इसी कि आपको लड्डू खाए होंगे, लड्डू तो खाए, लड्डू बनता है कैसे, बुनिया से, तो बुनिया वहाँ पर क्या काम किया, मोनोमर का, यानी कि बहुलक का, मोनोमर का काम किया। तो याद रखिएगा जो मोनोमर है उसको बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि उसको बार बार ऐड कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे क्या लड्डू बना। इसका उसी प्रकार से ब्यूना एस का जो मोनोमर होता है वो स्टायरीन होता है, स्टायरीन के बहुत सारा ऐसी करके उसको ब्यूना एस में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर जो क्वेश्चन है, कपड़ा धोने का सोडा का होता है, जो कपड़ा धोने का सोडा होता है इसके लिए उसका सूत्र क्या होता है,
जो कपड़ा हम लोग धोते हैं डिटर्जेंट जानते हैं, डिटर्जेंट सर्फ जानते हैं, सर्फ जानते हो, तो कपड़ा धोने का सोडा को क्या नाम दिया जाता है ये क्वेश्चन है, उसका क्या कहा जाता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O ये बेसिकली कपड़ा धोने का सोडा होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन बेसिकली एक प्रकार का, यह क्या है आपको पता है, सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है, और यह क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आता है, यह जरूर याद रखिएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम ये बेसिकली क्या है, अर्धचालक सेमी कंडक्टर है, तो यानी कि ऑप्शन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर हो जाएगा, सिलिकॉन इज सेमी कंडक्टर। एक और होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम भी क्या है, एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है, तो वो भी क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया आप, 89 नंबर जो क्वेश्चन है कि जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम एक प्रकार का क्या है, चालक है, कुछ चालक है, अर्धचालक है, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा जर्मेनियम एक प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को दोनों अर्धचालक है, दोनों को दोनों सेमी कंडक्टर है, और यह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, यह फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री का भी है, ठीक है, इसलिए दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर यानी कि 90 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ग्लिसरॉल, इंसुलिन, उसके बाद लेक्टोज, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो लेक्टोज, लेक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेक्टोज, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 91 नंबर जो क्वेश्चन है, 91 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, ऑप्शन है 4, 8, 7, 14, तो मूल क्रिस्टल जो तंत्र होता है वो 7 होता है, जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो बेसिकली होता है वो 7 होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से केमिस्ट्री का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 92 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है, तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम, सोडियम टेट्राबोरेट या सोडियम मेटाबोरेट या सोडियम ऑर्थोबोरेट, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोरेक्स के रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पड्डे टेस्ट और क्यूज चलता है, आपको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, पड्डे 9 बजे से टेस्ट चलता है, याद रखिएगा पड्डे डेली के डेली चलता है, वहाँ पे जाकर, वहाँ पे 9 बजे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा कि स्टार्ट शुरू है, तो जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और PDF नोट्स के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 93 नंबर जो क्वेश्चन है, 93 नंबर जो क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको एक समझाया क्वेश्चन कि ब्यूना एस का पोलमर क्या स्टाइरिन है, लेकिन यहाँ पे ब्यूना एस और ब्यूना एन है, बेसिकली ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, संश्लेषित बहुलक है, सल्फर बहुलक है, इनमें से कोई नहीं, जस्ट आपको बताए हैं कि ब्यूना एंजो या ब्यूना एस जो है बेसिकली वो दोनों क्या है, मानव के निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया बहुलक है, मानव के द्वारा बनाया गया पॉलीमर है, ठीक ना, यानी कि वो संश्लेषित किया गया है, प्राकृतिक से प्राप्त नहीं है, वो नेचर से प्राप्त नहीं है, ठीक ना, बेसिकली अपना से बनाया गया है, अपना से मतलब उसको मशीन के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो भी है, तो क्या है एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ये तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 94 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, यह पूछा गया है, यहाँ पे ZN जिंक, CU कॉपर, NI निकेल, MG मैग्नीशियम, याद रखिएगा NI मतलब यहाँ पे ZN जिंक, CU कॉपर, NI निकेल, MG मैग्नीशियम, तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता है, यहाँ पे क्वेश्चन कर 95 नंबर जो क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि के साथ धातु का चलकता, अगर हम ताप में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाते धातु की चलकता में क्या होगा, तो उसका क्या होता है, चलकता में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं धातु की चलकता क्या हो जाता है, वो अब इसके लिए घटता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर यही क्वेश्चन किसी अर्धचालक में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसकी चलकता बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे धातु क्वेश्चन कहा गया है, धातु में जब भी हम चलकता बढ़ाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, तो उसका चलकता घटने लगेगा और उसका रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि प्रतिरोध वो बढ़ने लगता है। यानी कि प्रतिरोध जब भी बढ़ेगा तो चलकता घटेगा, अब प्रतिरोध घटेगा तो चलकता बढ़ेगा, क्योंकि जब भी उसमें रुकावट ज़्यादा आएगा तो वो स्पीड कम हो जाएगा ना, इस प्रकार से होता है। धातु की बात करें, जब उसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो उसकी चलकता घटेगा। जब यहाँ पे अर्धचालक की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, जब भी उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी चलकता बढ़ेगा। यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस भी याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, 96 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए आप इसके आपको क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि H2PtCN6 का उपायक नेम है। देखिए IUPAC नेम आ गया, तो इससे पहले चार्ज याद करना होगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसंयोजक संख्या याद करना सीखना होता है। चलिए हम नॉर्मल तरीके से बता देते हैं, ऐसे इस पर वीडियो हम बना रखे हैं, फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या H2 है, यानी कि H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन निकले। यानी कि अगर कोई उपसंयोजक संख्या के बाहर कोई एलिमेंट है तो उसका सबसे पहले नाम लिख दीजिए, अगर नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहता तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड क्या है, यहाँ पे क्लोराइड है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अगर उससे पहले भी कोई एलिमेंट्स आ गया तो उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकले, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के अनुसार भी उसका लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड में क्या है, क्लोराइड है, लेकिन वहाँ पर लिगेंड क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है, और कितना है तो 6 है, यानी कि 6 को क्लोराइड लगा हुआ है। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, तो हेक्सा बेसिकली ये ऋणात्मक लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। सबसे पहला बात क्लोरो लिखेंगे, तो क्लोरो यहाँ पर है, क्लोरो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड हो, यानी कि यह गलत, यहाँ गलत, यानी कि दो को ऑप्शन पहले ही गलत। अब बचता है यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में कौन राइट होगा, तो यहाँ पे क्लोरो यहाँ पे पीटी है तो प्लेटिनेट लिखेंगे। यहाँ तक तो दोनों में ऑप्शन है, तो अब बोलिएगा कौन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज है, एक में 4 में एक में 2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर 1 होता है 1 × 2, क्योंकि 2 है हाइड्रोजन, प्लस पीटी को हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यह केंद्रीय धातु है, यानी कि यह बेसिकली मेटल है, जिसको हिंदी में केंद्रीय धातु बोलते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 क्लोराइड है, 6 = 0। देखिए यहाँ पे 1 × 2 + 6, -1 में 6 से गुना करेंगे तो -6 = 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x − 4 = 0। एक्स का वैल्यू याद करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 4 आया, तो 4 का ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा, दे देगा उसका कहेगा उपायक नेम लिखिए, या 5 मार्क्स में पूछ देगा, 5 को आपको दे देगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका बोलेगा उपायक नेम लिखे, नाम लिखे, जैसे कि 2017 में पूछ चुका है, जाकर चेक कर सकते हैं भैया। इसलिए सभी का क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे एक बार बोर्ड पे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 97 नंबर जो क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना की बात किया है, CaCO3 CaOH के होल ट्वाइस CaCl2। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 98 जो नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या, जो चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल जो होता है उसमें POP बंधनों की संख्या होता है, तो POP बंधनों की संख्या कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में जब पढ़ाए थे उसमें आपको हम पूरा अच्छा समझाए थे POP में बंधनों की संख्या कितना होता है। ऑप्शन है यहाँ पे 2, 0, 3, 4, इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ 98 का तो 3 होता है। एंड कैसे होता है, इसके लिए हम क्वेश्चन में पढ़ाए थे, वहाँ पे बगल में फिगर बना के बताए थे
कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल जो होता है उसमें पीओपी बंधनों की संख्या कितना होता है। इससे पहले बता चुके हैं, आप टेलीग्राम में पोस्ट करने के प्रयास करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। कैसे हुआ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 99 क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। क्लोरोटोन एक है, तो क्लोरोटोन एक प्रकार का क्या है, क्वेश्चन है। कीटनाशक जो हमारा कीट जो होता है, किसको मारने वाला कीट का जो दवा होता है कीटनाशक, समूह प्रतिरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्लोरोटोन जो बेसिकली एक प्रकार का होता है वो कितना क्या होता है, वो समूहक होता है। क्या होता है, समूहक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समूहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करा है, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है, जो अमोनिया होता है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है। देखिए अमोनिया का हम जो पढ़ाए थे पी ब्लॉक का दिए भी थे, तो अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, हेवरल विधि द्वारा, निष्कर्षण विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको पढ़ा भी रखें, तो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो अमोनिया को हम लोग हेवरल विधि से बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा कि हेवरल विधि द्वारा या अमोनिया हेवरल विधि द्वारा कैसे तैयार किया जाता है, हेवरल विधि द्वारा अमोनिया का तैयार करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए भी है, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 101 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करा है यहाँ पे, सिरका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के, सिरका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, जो सिरका हुआ और हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर हम उसको कंबाइन करें, उसे अगर रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्राप्त प्रतिफल होगा, प्राप्त प्रोडक्ट क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन बहुत सारा है, जिसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो H2SiF4 होता है, यह क्वेश्चन आपको प्राप्त होता है, मतलब यह आपको सब्सटेंस जो भी एलिमेंट्स होता है यह प्राप्त होता है, यानी कि H2SiF4 यानी कि ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक्षण कमेंट करके बता दीजिए कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या क्या होता है, क्योंकि जस्ट आपको 98 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन था ये बताए, ठीक ना। डबल क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाक्षण लिख दीजिए, ठीक ना। और PDF के लिए प्लीज़ PDF के लिए हमारे इस समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहाँ पर आपको एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, ठीक ना। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए वायु का मुख्य अवयव है, देखिए जो हमारा वायु होता है वायुमंडल, उसमें क्या क्या गैस पाया जाता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड। तो बताइए इसमें से क्या पाया जाता है। पहले बात क्लोराइड तो किसी में पाया नहीं जाता, सबसे पहले बात एल्युमिनियम भी नहीं पाया जाता, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है उसमें, लेकिन मेन जो होता है मुख्य अवयव क्या होता है, मुख्य अवयव पूछा है, तो मुख्य अवयव की बात करता है, तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों बेसिकली मुख्य अवयव होता है वायुमंडल का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर जो क्वेश्चन है SF6 यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जो SF6 है उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, -6 + 6 - 4 + 4। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है तो +6 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 105 नंबर जो क्वेश्चन है, पारा और ओजोन की प्रतिक्रिया से बनता है, पारा और ओजोन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन आपके लिए है कि पारा और ओजोन की प्रतिक्रिया से बनता है Hg2O बनता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Hg2O बनता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आपको अगर टेस्ट क्यूज देना है तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर KKG क्लासेस सर्च करना है, सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा, उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है क्यूज देना है उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।